मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद दीवा डंपिंग ग्राउंड के पास खाड़ी में बने झोपड़ों पर आज शासन प्रशासन के लोग दलबल के साथ कार्रवाई करने पहुंचे, मगर इन झोपड़ों में रहने वालों ने अपने मेहनत की कमाई से खरीदी गई झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलने दिया। कार्रवाई के लिए जैसे ही शासन प्रशासन के लोग दीवा पहुंचे, हजारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सड़कों पर उतर गए। लोगों ने यह भी बताया कि जब भू माफिया धीरे धीरे खाड़ी को पाट कर मैंग्रोव को नष्ट कर यहां चाल बना रहे थे, तब शासन प्रशासन के लोग कहां थे। आज जब यहां अपने परिवार के साथ अपने घरों में लोग रह रहे हैं तो इन्हें तोड़ा जा रहा है। लोगों ने यह भी बताया कि जब भू माफिया धीरे धीरे खाड़ी को पाट कर मैंग्रोव को नष्ट कर यहां चाल बना रहे थे, तब शासन प्रशासन के लोग कहां थे। आज जब यहां लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में रह रहे हैं तो इन्हें तोड़ा जा रहा है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दीवा डंपिंग ग्राउंड के पास मैंग्रोव को नष्ट कर झोपड़े बनाए गए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खाड़ी के पास बने झोपड़ों को तोड़ने का आदेश दिया था, मगर आज अपना आशियाना लोग तोड़ते हुए नहीं देख सकते थे, सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद स्थानीय आमदार राजू पाटिल और भी कई स्थानीय नेता वहां पहुंच गए। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद लोगों को जानकारी दी गई कि 20 दिसंबर तक कार्रवाई रोक दी गई है। 20 दिसंबर के बाद एक टीम शासन प्रशासन की तरफ से खाड़ी और आसपास के झोपड़ों का सर्वे करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी चाल तोड़ना है और कौन सी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए कि ये सब कार्रवाई करने के, तो हम सभी ने जो प्रशासन के लोग थे उनसे दरख्वास्त की कि हमें भी इन सभी रहवासियों की तरफ से एक मौका दिया जाए, हमें भी अपनी जो साइड है वो माननीय उच्च न्यायालय को बतानी है, इसी के चलते हमें कुछ समय दिया जाए। और ये बात पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम सभी ने उन्हें गुजारिश की कि देखिए आप जितना ये कार्रवाई जितनी आसान समझते हैं वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना बहुत तीव्र है। तो इसी के चलते आज प्रशासन ने भी ये कबूल किया है कि आज की कार्रवाई उन्होंने स्थगित कर दी है। तो इसी के बीच वो लोग प्रशासन के लोग यहाँ पे सर्वे के लिए आने वाले हैं कि कौन सी जगह पे कार्रवाई करनी है, उनसे चाली पे कार्रवाई करनी है, तो ये पहले तो उनको देखना है, इसलिए वो सर्वे के लिए आने वाले हैं। वो सर्वे के लिए उनको जरा भी अपन तकलीफ नहीं देने वाले। तो प्रशासन के लोग यहाँ आए थे, उच्च न्यायालय का आदेश की कॉपी लेके, कॉपी की ये सब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम थोड़ा कार्रवाई करेंगे ऐसे दिखाने वो आए थे, लेकिन हम सब लोग इकट्ठा होके इसको विरोध जताया। कल पालक मंत्री महोदय ने भी उनको बताया था कि जो कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है वहाँ जाना नहीं, तो आज जो कोर्ट ऑर्डर में जो है वो तो तय होना बाकी है, उसका बाउंड्री फाइनल होना बाकी है, तो हम सब लोग ने मिल के उन्हें ये बताया कि जो कोर्ट ऑर्डर में उसका पहला सर्वेक्षण करो, और कोर्ट ऑर्डर में नहीं है उनको बिना वजह तकलीफ दो मत, और जो कोर्ट ऑर्डर में अगर कुछ निकलेगा तो उसके बारे में क्या विचार करना है हम कोर्ट में जाके करेंगे। तब तक 20 तारीख तक हम सबको तुम लोग थोड़ा टाइम पीरियड दे दो। तो बड़े पैमाने पे यहाँ के 4-5 हज़ार के संख्या में यहाँ के सब लोग इकट्ठा, बाल बच्चों के साथ इकट्ठा हुए थे, और प्रशासन को एक कदम भी आगे जाने नहीं दिया मशीनरी को उन्होंने। ये यहाँ की पब्लिक की जीत है कि उन्हें अपने घर बचाने के लिए इतने कड़े धूप में वो लोग रास्ते पे बैठे रहे और किसी को अंदर जाने दिया नहीं। और प्रशासन ने, हम लोग ने जो विनती की है सब पार्टियों ने, वो प्रशासन ने
मानव हमको एक 20 तारीख तक अवधि दिया कोर्ट में जाने के लिए। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और नेताओं के आश्वासन के बाद लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे। में आके सर्वे करेंगे पहले। अभी आप लोग जो आंदोलन पे बैठे थे तो क्या आप लोगों को जो है क्या बताया गया वहाँ पे? वो बताए हैं कि यही कि अभी सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद उच्च न्यायालय में जाएंगे सब, उसके बाद जो कार्रवाई होनी होगी। 20 तारीख को समय दिए, 20 तारीख तक समय दिए। 20 तारीख तक कहाँ के रहने वाले आप? यहाँ पे कहाँ पे रहते? यहाँ पे सर्वे गाँव में गणपति मंदिर। क्या आपका घर यहाँ पे था क्या? नहीं, हम लोग लिए हैं। कितना साल पहले लिए? 3 साल हो गए। 3 साल तो अभी कार्रवाई जो होने वाली थी आज, जो आप लोग जो रोड पर बैठे हुए थे, तो इसमें क्या आप लोगों से कहा गया है? हम लोग से यही कहा गया है अभी 20 तारीख को सब सर्वे करके 20 तारीख को पूरा काम करेंगे, उसके बाद अगर तोड़े जाते कार्रवाई होती है। अभी तोड़े जाते तो भी उन लोग अपने हिसाब से क्या करेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से आज कार्रवाई रोक दी गई है, इस पे आप खुश हैं कि नहीं? हाँ, खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। हमारा पब्लिक पूरा सपोर्ट किया, अपना अपना घर बचाने के लिए जितना परिश्रम किया उसको हमको परिणाम मिला, इसलिए हम बहुत 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 ज़्यादा से ज़्यादा खुश हैं। जिस तरह से यहाँ के आमदार आए थे, जो स्थानीय नेता थे, उन लोगों ने जो सहयोग किया आप लोगों का, तो बहुत उनका भी मैं आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे भाई साहब धूप में इतने कड़े धूप में जो परिश्रम किए, उन लोगों ने आके हम लोगों को सराहना साथ दिया। दीवा के झोपड़ों पर कार्रवाई जो होने वाली थी, फिलहाल वो कार्रवाई टल गई है, यानी कहीं ना कहीं दीवा डंपिंग ग्राउंड के पास रहने वाले झोपड़ों वालों को अब एक बार फिर राहत की सांस मिली है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।